और अब एक दुखद खबर। हिमाचल प्रदेश जिला चंबा के दुर्गम क्षेत्र तीसा में एक निजी बस गहरी खाई में गिर गई। पुख्ता जानकारी के अनुसार बस में करीब 16 लोग सवार थे, इनमें से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें चंबा अस्पताल में उपचाराधीन किया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन तुरंत मौके के लिए रवाना हो गए। स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित विधानसभा उपाध्यक्ष एवं चुराह के विधायक हंसराज ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, हादसे में मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा घायलों को भी हर संभव मदद दी जाएगी। अभी हमको थोड़ी देर पहले सूचना मिली कि एक बस, प्राइवेट बस जो बाउंड्री से चंबा चल रही थी, तीसा मोड़ के पास वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लगभग 10:15 बजे, और 10:15 बजे उस घटना के बाद जो है, जो अभी तक जो जानकारी मिली है, तो वो बस काफ़ी नीचे, लगभग 200 मीटर नीचे खाई में गिरी है। अभी तक जो पुष्टि हो पाई है उसमें 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और 10 लोगों की घायल होने की सूचना है। डेप्टी कमिश्नर से मेरी बात हुई, डेप्टी कमिश्नर और एसपी दोनों जो है वो घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। एम्बुलेंसेज और उसके साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो जो भी चीज़ें वहाँ पर करने की दृष्टि थी वो सब उनको आदेश दे दिए गए हैं, वो मौके पर हैं। और उम्मीद करता हूँ कि कैजुअल्टी इससे ज़्यादा ना बढ़े। जो घायल हैं उनके लिए हमने कहा है कि जहाँ भी उनके लिए बेहतर उपचार के लिए व्यवस्था की जा सकती है, उस प्रकार से निर्णय करने में विलम्ब ना करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया है, वो आमतौर पर यही रहता है कि जो घायल होते हैं उनको राहत दी जाती है इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। हमने उनका कहा कि उनका फिलहाल फ्री ट्रीटमेंट वहाँ पर करवाया जाए और 10,000 रुपये जो इंजर्ड हैं, और उसके बाद जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए तो स्वाभाविक रूप से एक जो हमारा एक नियम है उसके लिए 4 लाख रुपये उनको दिया जाता है। उसके अभी तो ऐसा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, गाड़ी बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, ऐसी सूरत में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना वो उचित नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि पूरी डिटेल्स उसके आने देते हैं, उसके बाद जानकारी। चुराह के विधायक हंसराज विधानसभा की कार्यवाही को छोड़कर चंबा रवाना हो गए हैं। यह हादसा उनके गृह विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। उन्होंने कहा, हादसा उपमंडल मुख्यालय में काफी सवारियां उतारने के बाद हुआ, पहले बस सवारियों से पूरी तरह भरी हुई थी। ऐसा अभी कोई घंटा भर पहले जो है वो सूचना हमें मिली है कि जो मंगली से हमारे बौंदेड़ी से चंबा की तरफ एक प्राइवेट बस जो है चंबा जाती थी, वो जो है एक हॉल्ट आता है एसडीएम ऑफिस जहाँ पे हमारा है तीसा में, वहाँ पर हमारी कंस्टिट्यूंसी में वो जो है वो रोड से बाहर निकल गई है। और उसमें सूचना प्राप्त हुई है अभी तक कि 8 से 9 लोग जो है वो एक्सपायर कर गए हैं, कैजुअल्टी हुई है, और 6-7 लोग जो है वो अभी जख्मी बताए जा रहे हैं। बस जो है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, अभी तक हमें इतना पता नहीं है कितने लोग थे, पर दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि बस इस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते बस है कि क्या था ये। तो सभी कारणों का भी पता लगा रहे हैं हम लोग कि क्या है। नहीं, थोड़ा इसमें सौभाग्य ये रहा कि जो सवारियाँ बौंदेड़ी से, तरेला से मेरे घर की तरफ से आती है, वो तीसा में आकर के ड्रॉप हो जाती हैं, क्योंकि एसडीएम ऑफिस सारे कार्यालय वहीं पे हैं हमारे, मतलब इवन सब डिविजनल ऑफिसेज वहाँ पे हैं। तो चंबा तो कम ही सवारियाँ जाती हैं, ऐसा पूर्व में भी रहा है। तो हमें अभी आइडिया के तौर पर ही कह रहे हैं, जो एसडीएम भी कह रहे हैं कि 17 से 18 सवारियाँ हो सकती हैं,
तो जिसमें 8 लोग तो ऑन द स्पॉट डेड हो गए हैं और 8 लोगों के हताहत होने की सूचना है और बाकी लोगों को 100 बेड हॉस्पिटल जो हमारा सिविल हॉस्पिटल तीसा है वहाँ रखा गया है और जो सीरियस हैं उनको हम चंबा मेडिकल कॉलेज या टांडा भी रेफर कर रहे हैं। अब ऐसा है ओवरलोडेड लगी नहीं हमें बस, जैसा 17-18-20 लोग ही बता रहे हैं वो, और रास्ता मतलब रोड बहुत खुला है, अब तो वाइडनिंग हो गई है, तो अब कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, अब उसकी विस्तृत जानकारी मुझे भी नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ, रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री, दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड शनान संजौली शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।